तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7, जो है अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने इसके भाग 1 पर अध्ययन किया, तो चलो एक बार पुनः स्मरण करते हैं। भाग 1 के अंतर्गत भाग 1 में हमने पढ़ा कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। फिर बाद में हमने पढ़ा विधायक कौन होता है और उसका चयन कैसे होता है। इससे पूर्व हमने एक जिम्मेदारी किसके एक चित्रकथा का भी अध्ययन किया, जिसके आधार पर पातालपुरम में जो पानी की कमी से लोग मर रहे थे, पानी की कमी से जो लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे और हैजे नामक एक बीमारी फैल गई, अस्पताल उन मरीजों से अटे पड़े थे, उस कहानी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने उसी भाग के अंतर्गत पढ़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष, कि किस प्रकार से जब पूरे निर्वाचन क्षेत्रों से सभी विधायक चुनकर आते हैं तो सत्ता पक्ष किस प्रकार से बहुमत के आधार पर सरकार बनाता है और विपक्ष में कौन लोग भूमिका निभाते हैं। इसका उदाहरण हमने हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव हुए 2017, उसके अनुसार भी लिए कि वहाँ पर किस प्रकार से बहुमत बीजेपी को मिला और वहाँ पर जयराम ठाकुर की सरकार बनी। तो चलो आज जो हम अध्ययन करेंगे इसी अध्याय नंबर 3 के भाग 2 के अंतर्गत, जो है विधानसभा में बहस। विधानसभा, हमारे 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में विधानसभा होती है और कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। ये हमारे राज्य स्तर पर जो व्यवस्थापिका है उसका एक भाग है विधानसभा। तो चलो आज अध्ययन करते हैं विधानसभा में बहस किस प्रकार से होती है, उसमें कौन बहस करता है और क्या क्या प्रश्नों को लेकर वहाँ पर चर्चा की जाती है। चलो अध्ययन करते हैं। आपको सर्वप्रथम एक विधानसभा का चित्र दिया गया है, ये हमारी राजस्थान विधानसभा का चित्र है, जिसमें सभी विधायक जो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो सभी विधायक जो चुनकर आए, जीत कर आए, सामने बैठे हैं और इस आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे विधानसभा भवन जो कि हमारी राजधानी जयपुर में स्थित है, उसका चित्र दे रखा है। आपने बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा होगा। तो चलो अध्ययन करते हैं कि जो आफरीन और सुजाता नामक दो बच्चे थे, वो अपने अन्य साथी बच्चों के साथ विधानसभा को देखने गए और उस विधानसभा भवन को बाहर से देखने पर उनको अत्यंत भव्य और उसकी विशालता को देखकर वो रोमांचित हुए। लेकिन साथ में जब वो जाने लगे तब उनकी क्या हुई, सुरक्षा जांच हुई। सुरक्षा जांच होने के बाद में उनको कहाँ पर बिठाया गया विधानसभा के अंदर, दर्शक दीर्घा, विधानसभा में जहाँ नीचे तो सब विधायक बैठते हैं और कुछ अलग से पंक्तियाँ होती है दर्शकों के बैठने के लिए, जैसे समाचार चैनलों के जो होते हैं प्रतिनिधि, उनको बैठने के लिए अलग से पंक्ति होती है। ऐसे ही दर्शक दीर्घा भी होती है, जहाँ से बैठकर जो विधानसभा में जो बहस होती है किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर, उसको आसानी से देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। तो आफरीन और सुजाता वहाँ दर्शक दीर्घा में जाके बैठे और विधानसभा की बहस को क्या करने लग गए, सुनने लग गए। उन दिनों विधानसभा में किसी तत्कालीन समस्या पर बहस हो रही थी। अब जब भी हम विधानसभा में जा रहे हैं तो वहाँ कोई बहस हो रही है, उसी को तो देखने जा रहे हैं। तो वहाँ उस समय जब आफरीन और सुजाता गए तो उस समय किसी तत्कालीन समस्या पर क्या हो रही थी, बहस हो रही थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अब वहाँ पर जो विधानसभा में बहस होती है वहाँ पर कौन अपनी राय व्यक्त कर सकता है, या कौन प्रश्न पूछ सकता है, विधायक। कौन पूछ सकता है, विधायक पूछ सकता है। और विधायक को चुनकर कौन भेजता है, हम जनता। तो जनता की बात कौन रखते हैं, विधायक रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, विधानसभा के पटल पर, विधानसभा सदन में। और सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, और साथ में ये सुझाव भी देते हैं कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, सरकार को किन योजनाओं पर या किन कानूनों के निर्माण पर कार्य करना चाहिए। ये सब सुझाव कौन देते हैं विधानसभा में, विधायक देते हैं। इसके बाद मंत्री जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब जो भी समस्या कोई भी विधायक सदन के पटल पर रखता है तो फिर संबंधित जो भी समस्या है, संबंधित विभाग से संबंधित है, उस संबंधित विभाग के मंत्री उस समस्या के बारे में क्या करवाते हैं, आश्वासन देते हैं
कि हम इसके लिए आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं या अब तक इतने कदम उठाए जा चुके हैं। जो भी विधायक इस जो प्रश्न करता है उसके बारे में आश्वस्त करते हैं मंत्री। सरकार में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब जब सरकार द्वारा किसी भी निर्णय लिए जाते हैं किसी भी योजना के क्रियान्वयन पर, तब उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है या कानूनों का निर्माण किया जाता है, तब सभी विधायक मिलकर विधानसभा में उसका क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। अब इनको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब कुछ उदाहरण लेंगे, विधानसभा में जो बहस होती है उनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हो कि विधायक किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से जो संबंधित मंत्री है उसका जवाब देते हैं। तो उदाहरण नंबर एक है, यहाँ पर विधायक एक है, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। अब ये अखंड गांव कौन सा है? ये अखंड गांव वही पातालपुरम जिला मुख्यालय के अंदर है। अब वहाँ पर क्या स्थिति हुई थी, जैसा कि हमने चित्रकथा के माध्यम से पढ़ा था कि वहाँ पर पानी की समस्या हो गई और लोग गंदा पानी पी रहे हैं, इस वजह से हैजे की बीमारी वहाँ फैल गई। तो ये सरकार का ध्यान उस ओर दिला रहे हैं ये विधायक नंबर एक। ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि पानी की कमी की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और साथ में हैजे की एक बीमारी भी वहाँ पर फैल गई है मेरे अखंड गांव क्षेत्र में, जो कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, पातालपुरम। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। और आपकी सरकार जो अपने आप को पूरे देश में प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, वो हैजे जैसी एक साधारण बीमारी को रोकने में क्या रही है, असफल रही है। ये सरकार का ध्यान कौन आकर्षित कर रहा है, ये विधायक नंबर एक सरकार को कह रहे हैं कि आप हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हो, जबकि आप अपने आप का ये दावा करते हो कि हमने देश में प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। अब हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य करता है वो कौन मंत्री करते हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। तो ये विधायक जो एक हैं, विधायक एक जो उदाहरण से हम समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए। जो हैजे की जो बीमारी फैल रही है, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, इस समस्या की तरफ मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और इसके लिए वो ज़रूरी कदम उठाए। अब नेक्स्ट देखते हैं विधायक दो, जो विधायक दो हैं वो किस तरह से विधानसभा में बहस कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों में इस दशा इतनी ख़राब क्यों है। अब दूसरे जो विधायक हैं जो विधानसभा में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, यह वर्तमान में हमारे राजस्थान में किसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है, तो इस तरह से सदन में खड़े होकर संबंधित विभाग के मंत्री से क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। सरकार से क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। इस तरह से जैसे ये खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं, अपनी समस्या सदन के पटल पर रख रहे हैं। उसी प्रकार विधायक दो ये पूछ रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी ख़राब क्यों है, वहाँ पर न तो डॉक्टरों की नियुक्ति है, ना नर्स की या अन्य जो स्वास्थ्य कर्मी होती है उनकी नियुक्ति की जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब ये प्रश्न भी किसकी तरफ से इंगित करता है, ये भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ इंगित करता है कि स्वास्थ्य मंत्री को संबोधन करके विधायक दो हैं जो प्रश्न कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट विधायक की तरफ चलते हैं, विधायक नंबर तीन। ये कह रहे हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। अब विधायक नंबर तीन भी अपनी समस्या रख रहे हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र जो तोल पट्टी उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वो कह रहे हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी की बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। वहाँ पर औरतों को 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है पैदल ही, तो इतनी बड़ी समस्या है। इसको मैं सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करे। विधायक नंबर चार का देखते हैं, विधायक नंबर चार। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये विधायक सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के। ये कह रहे हैं कि मेरे साथी हैं ना जो समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं,
और सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने तो है ना अपनी तरफ से काफ़ी उपाय किए हैं, टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जा रही है और साथ में ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। कहाँ पर? जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है या बीमारियाँ फैल रही है। अब यहाँ पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो इस चित्र के माध्यम से, आपके बुक में ये ऐसा चित्र दे रखा है, उसमें नंबरिंग भी डाल रखी है कि एक नंबर विधायक, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे। तो आपको वहाँ चार नंबर विधायक पर कलर करना है कि ये सत्ता पक्ष का है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष की तरफ से ही तो बोल रहे हैं। तो ये आप इसको कलर के माध्यम से बता पाओगे इस चित्र में कि ये सत्ता पक्ष के विधायक है और ये विपक्ष के विधायक है। अलग अलग कलरों से आप इंगित कर सकते हो ताकि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में फर्क कर सको, जैसा कि चित्र में दे रखा है। साथ में हम देखते हैं क्या दिए गए चित्रों में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं। उस तरह से पहचान करेंगे हम, जैसे कि ये कह रहे हैं, ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं ना कि जो साथी विधायक है ना, जो मामले को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को पहचान कर कलर करोगे इस चित्र में। आपके बुक में ये चित्र दे रखा है। तो चलो नेक्स्ट विधायक पाँच पे चलते हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत ही ख़राब है, कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कई डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ये जो विधायक नंबर पाँच है, इन्होंने भी स्वास्थ्य से संबंधित ही मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि हमारे अस्पतालों में हालात बद से बदतर है, ना तो डॉक्टर की नियुक्ति है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो जहां पर है वो भी कहां चले गए, लंबी छुट्टी पर चले गए। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य से संबंधित जो इतनी समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट विधायक की तरफ चलते हैं, विधायक छः। अब इसमें देखो आप, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले हुए कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। अब जैसे कि ये इसमें बोला जा रहा है कि विरोधी पक्ष के विधायक सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि ये कौन से पक्ष के विधायक है, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के। तो ये बिल्कुल सत्ता पक्ष के विधायक है। तो छः विधायकों का उदाहरण हमने यहाँ देखा, तो छः में से चार नंबर और छः नंबर तो क्या हो गया, सत्ता पक्ष, और जो एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है और पाँच नंबर क्या हो गया, जो विधायक है, वो हो गए विपक्ष के विधायक। अब ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने तो किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया सफाई पर, और हम क्या कर रहे हैं, हम आना जो अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ जो फैला हुआ है, कूड़ा फैला हुआ है, उसको है ना जो उसका निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। तो आपको पता लग गया होगा, जैसे वर्तमान समय में हमारे राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं, वो जरूरी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री हों, ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये किसी समस्या पर जो किसी विधायक ने प्रश्न पूछा उसका क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो इसी तरह से वहाँ सदन पर मंत्री खड़े होकर किसी भी विधायक के प्रश्न का क्या देते हैं, जवाब देते हैं। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। सरकार का पक्ष कौन रखते हैं, मंत्री रखते हैं, संबंधित विभाग के मंत्री, जिस विभाग के से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो हमने विधानसभा में जो बहस होती है इन छह उदाहरणों के माध्यम से समझा, तो आप समझ गए होंगे कि विधानसभा में किस प्रकार तो बहस होती है और उन प्रश्नों का जवाब कौन देता है। तो चलो आगे और देखते हैं। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। अब पहले हमने क्या पढ़ लिया, छह उदाहरणों के माध्यम से कि विधानसभा में बहस किस प्रकार से होती है। अब देखो आपको यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारे राजस्थान विधानसभा के अंदर का, सदन के अंदर जो विधायक बैठते हैं जिस क्षेत्र में, उस अंदर का ये दृश्य है। यहाँ विभिन्न विधायक बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, और जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, वो भी खड़े होकर विभिन्न विधायकों के प्रश्नों का क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। अब सदस्य जो विधायक थे, जो विधानसभा सदस्य भी उनको बोलते हैं, विधायकों को, वो सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, उन पर क्या कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं वो अपना प्रश्न रखते हैं या उत्तर देते हैं, और विपक्ष के प्रश्न पूछते हैं, तो वो भी है ना जो भी योजना होती है, कानून होती है, उसमें अपना अपना उनका भी उत्तरदायित्व है, सभी का, सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो।
क्योंकि जो सभी विधायक है, जो 200 के 200 विधायक जो चुनकर हमारे राजस्थान से में से सभी 200 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर जो विधानसभा में पहुंचते हैं, उनका सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता ने उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजा है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। अब यहाँ सरकार, जैसा कि हमने सत्ता पक्ष के उसमें भाग एक के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सरकार का गठन होता है, तो यहाँ पर सामान्य भाषा में सरकार से तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है कि विभिन्न विभाग होते हैं और उनका जो विभागों का सभी मंत्री होते हैं, उनके द्वारा मिलकर जो काम किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का फोटो दिया गया है, तो ये वर्तमान में हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं, श्रीमान अशोक गहलोत जी। तो इनका जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल मिलकर अपने अपने विभागों के साथ अपने अपने विभागों की योजनाएं या कानूनों पर निर्माण करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं, सदन में उस पर चर्चा करते हैं और फिर उसको अंतिम रूप दिया जाता है। सही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा या कार्यपालिका कहलाता है। अब सही मायने में जो कार्यपालिका होती है वो क्या होती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल और साथ में समस्त राज्य के कर्मचारियों से मिलकर ही क्या बनता है, कार्यपालिका बनता है, या कार्यकारी हिस्सा भी उसको बोलते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाता है, और दूसरी तरफ जो विधायिका में समस्त विधायक इकट्ठे होते हैं वहाँ पर अपना पक्ष रखते हैं या प्रश्न पूछते हैं, वो जो वहाँ पर विधानसभा के पटल पर जो प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर विधानसभा को क्या कहेंगे, व्यवस्थापिका का भाग कहेंगे या विधायिका कहेंगे। जैसे सरकार के तीन अंगों के अंतर्गत हमने पढ़ा था ना कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो यहाँ कार्यपालिका के रूप में तो आपने क्या पढ़ा कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनका मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है और साथ में समस्त राज्य के कर्मचारी, और यहाँ पर राज्य स्तर पर जो व्यवस्थापिका होती है वो विधानसभा या विधान परिषद के से मिलकर बनी होती है। विधायकों में से ही कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर आते हैं उसको बहुमत मिलता है, और बहुमत मिले हुए विधायक सर्वसम्मति से अपना क्या चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, उसे ही मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसा कि फोटो में दिया गया है। अभी सबसे ज़्यादा जो 200 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी की चुनकर आई थी, हमारे 2018 में जो दिसंबर में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला, जनता ने सबसे ज़्यादा सीटें जिताकर किसको भेजा, कांग्रेस को जिताया। तो अब सरकार किसकी है, कांग्रेस पार्टी के, जिसका मुखिया किनको बनाया गया, मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान अशोक जी गहलोत जी को बनाया गया। तो इस तरह से सरकार का चयन होता है और उसका जो मुख्य कार्यकारी हिस्सा होता है वो मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्रियों के आधार पर किया जाता है। अब आपके विचार में क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही। अब जो बहस हमने देखी 6 उदाहरणों के माध्यम से, तो आपके विचार में क्या वो बहस उपयोगी रही, बिल्कुल रही होगी भाई। उन बहसों के माध्यम से ही तो जो विधायक होते हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का जो ध्यान है वो सरकार को क्या करवाते हैं, आकर्षित करवाते हैं, ध्यान सरकार का आकर्षित करवाते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस समस्याओं को दूर किया जाए। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है। अब 200 विधायक है, उन्हीं विधायकों में से मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए जाते हैं। अब एक विधायक जो मंत्री भी होता है और विधायक भी होता है, और एक ओनली विधायक ही होता है, मंत्री नहीं होता है, तो उन दोनों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर होगा। सीधी सी बात है, मंत्री संबंधित विभाग के लिए पूरे राजस्थान के लिए काम करेगा और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करेगा। तो और साथ में जो मंत्री होता है उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ में संबंधित विभाग के लिए पूरे राजस्थान के लिए काम करना पड़ता है, तो जिम्मेदारी मंत्री की बड़ी होती है। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते हैं तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार से देते। अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री होता तो जो उत्तर वहाँ पर उस उदाहरण में दिया गया है उसी प्रकार का देता कि
हम इसके लिए जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो पानी की समस्या है उस वजह से लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, और हैजे नामक जो बीमारी फैली है उसके लिए भी हमने जो काफ़ी कदम उठाए हैं, विभिन्न प्रकार के जो कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। तो वास्तव में उसी प्रकार का जवाब देते जो कि वहाँ पर उदाहरण के द्वारा हमने समझा। तो बच्चों, आज हमने इस भाग दो के अंतर्गत विधानसभा में जो बहस किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आपस में विधायक प्रश्न करते हैं और संबंधित विभाग के मंत्री क्या देते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं, उसके बारे में समझे होंगे आप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अध्याय नंबर जो है 3, उसके अगले भाग 3 पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।